मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार विस्तार से। आज हरिद्वार की बीजेपी कार्यालय में 10 लोगों को नामित वार्ड पार्षद मनोनीत किया गया, जिससे कि नगर निगम बोर्ड में बीजेपी मजबूती से कार्य कर सके। कार्यक्रम के अध्यक्ष मुकेश कौशिक ने बताया कि 10 पार्षद को वार्ड मेंबर में नामित किया गया है, जिससे कि वह हर वार्ड में लोगों की जन समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण करा सके और इसकी सूचना हमें भी दे सके। इससे लोग ही समस्या को समाधान भी हो जाएगा और आने वाले समय में यह बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य भी करेंगे। मनोनीत हुए नामित पार्षदों ने भी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने हमें दी है, उसका निर्वहन हम अवश्य करेंगे। वार्ड की जो भी समस्या होगी उसको जल्द से जल्द निस्तारण कर लोगों को राहत देने का कार्य किया जाएगा। और प्रदेश नेतृत्व ने जो हम पर अपना विश्वास जताया है, हम उस पर अपना पूरा खरा उतरेंगे। जो वार्ड की और जो क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनको निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। और माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक आदेश चौहान जी के सानिध्य में पूरा वर्क किया जाएगा। बहुत लोग आग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनकी समस्या समझ के और वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मैं भी उनके साथ जुड़ रहती हूँ। और जो भी कुछ करना रहता है मैं बगैर पार्टी के भी करा, अब तो मैं पार्टी में शामिल हूँ, खैर तो अभी भी आगे और करूँगी और उनके साथ हूँ, मंत्री जी के और बीजेपी के साथ हूँ। और बाकी जो भी मुझसे होगा मैं वो करूँगी, कहूँगी जो भी समस्या है मैं मंत्री जी के माध्यम से समझाऊँ और पूरा भी करवाऊँगी। ने अपने 12 ऐसे कार्यकर्ताओं को जिनको संगठन का पूरा अनुभव है, जो लोगों की समस्याओं को अपने क्षेत्र में कराने का प्रयास करते आए हैं और भाजपा को मजबूत करते आए हैं, ऐसे लोगों को चुन करके संगठन ने, माननीय मंत्री जी ने, आदेश चौहान जी ने अपने अपने क्षेत्र से जो नाम दिए हैं, जो जिन्हें मनोनीत पार्षद बनाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत साबित होगी और बहुत अच्छा कार्य इस शहर के लिए नगर निगम बोर्ड में करेगी। मेरे ऊपर विश्वास जताया कि और मुझे छोटी सरकार नगर निगम में भेजने का काम किया और मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता मदन कौशिक जी का हार्दिक आभार करते हैं कि जिन्होंने हमारे पर विश्वास जताया। हम जनता की समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाने का काम करेंगे। जो भी नगर निगम के अंतर्गत समस्या आती है, जैसे बिजली हो गई और सड़क हो गई और जो भी समस्याएं हैं, जनता को उजागर करने का काम है। जो भी समस्या अब तक क्षेत्र में अभी सॉल्व नहीं हुई है उसको हम आगे सॉल्व करने का काम करेंगे। यही हम माननीय मदन कौशिक को हार्दिक आभार करते हैं कि उन्होंने जो विश्वास हमारे पर जताया है।